हाय दोस्तों, मैं हूं विराट भानु। मैं आज आप लोगों के लिए टॉप 10 कार लाया हूं जो अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। 10th में आती है मारुति किनियन, जो कि पूरी अगस्त में मात्र 1915 यूनिट ही इस गाड़ी की बेची गई है। और इंजन की बात की जाए तो इंजन 1996 सीसी की इस गाड़ी में मिल जाती है। माइलेज इसमें 16.11 टू 30.47 की MPL ये गाड़ी दे देती है। और दिल्ली एक्स शोरूम के हिसाब से 3.8 से स्टार्ट होती है और 4.95 लाख पर यह गाड़ी ख़त्म होती है। नंबर 9th पोजीशन में मारुति की अर्टिगा, जो कि पूरी अगस्त में 9320 यूनिट मात्र ये गाड़ी सेलिंग कर पाई है। और फ्यूल टाइप इसमें पेट्रोल और CNG ही मिलती है, डीजल इसमें नहीं मिलती है, डीजल डिसकंटिन्यू कर दी गई है। और दिल्ली एक्स शोरूम की प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो 7.59 से स्टार्ट होती है और 10.13 लाख पर यह गाड़ी ख़त्म होती है। नंबर 8 में आती है हुंडई के i20 न्योस और i20, जो कि पूरी अगस्त में दोनों कार की सेलिंग हुई है 10,190 यूनिट। और पुरानी कार की इंजन है 1,197 सीसी की इसमें इंजन मिल जाती है। और नई हुंडई i20s की बात की जाए तो इसमें ट्रांसमिशन मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिलती है। और फ्यूल टाइप इसमें पेट्रोल डीजल CNG तीनों में आती है। और दिल्ली एक्स शोरूम की प्राइस के हिसाब से बात की जाए 5.08 से स्टार्ट होती है, 8.30 लाख पर ख़त्म होती है। नंबर 7th में आती है किया की सेल्टोस, जो कि पूरी अगस्त में 10,655 यूनिट मात्र इस गाड़ी की सेलिंग हो पाई है। इंजन की बात की जाए तो इसमें 1,353 सीसी की इसमें इंजन मिल जाती है। फ्यूल टाइप सिर्फ पेट्रोल और डीजल में उपलब्ध है। और दिल्ली एक्सरूम की प्राइस के हिसाब से बात की जाए 9 लाख से स्टार्ट होती है, 17.54 लाख पर ख़त्म होती है। 6th नंबर में आती है सुजुकी की बेलेनो, जो कि पूरी अगस्त में 10,598 यूनिट की मात्र यह गाड़ी अपनी सेलिंग कर पाई है। इंजन की बात की जाए तो 1,197 सीसी की इसमें इंजन मिल जाती है। फ्यूल टाइप पेट्रोल डीजल दोनों में उपलब्ध होती है। दिल्ली एक्सरूम की प्राइस के हिसाब से 5.70 लाख से स्टार्ट होती है और 9.3 लाख पर ख़त्म होती है। नंबर 6 में आती है हुंडई की क्रेटा, जो कि पूरी अगस्त में 10,598 यूनिट मात्र पूरी अगस्त में सेलिंग हुई है। फ्यूल टाइप की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल दोनों में ये गाड़ी उपलब्ध होती है, CNG नहीं होती है। और इसमें पावर पेट्रोल में ही आती है, डीजल में नहीं आती है। और दिल्ली एक्सरूम के हिसाब से ये गाड़ी 9.9 लाख से स्टार्ट होती है, 17.2 लाख पर ख़त्म होती है। मारुति की जो स्विफ्ट है वह पूरी अगस्त में मात्र बिकी 13,629 यूनिट। और इसमें इंजन की बात की जाए तो 1,197 सीसी की इसमें इंजन मिल जाती है। इसमें फ्यूल पेट्रोल की मिलती है, डीजल डिसकंटिन्यू कर दी है। और दिल्ली एक्सरूम की प्राइस के हिसाब से बात की जाए 5.89 लाख से स्टार्ट होती है और 8.8 लाख पर ख़त्म होती है। आती है मारुति की वैगनार, जो पूरी अगस्त में 13,770 यूनिट मात्र ये गाड़ी अपनी सेलिंग कर पाई है। इसमें इंजन 998 टू 1,197 सीसी की इसमें मिल जाती है। फ्यूल पेट्रोल और CNG में ही मिलती है। और दिल्ली एक्सरूम के साथ 4.51 लाख से स्टार्ट होती है, 6 लाख पर ख़त्म होती है। 2nd में आती है मारुति की 800, जो कि पूरी अगस्त में 14,397 यूनिट ये अपनी सेलिंग कर पाई है। और इंजन की बात की जाए तो 756 सीसी की इसमें इंजन मिल जाती है। फ्यूल में पेट्रोल और CNG ही मिलती है, डीजल को डिसकंटिन्यू कर दी है। ये 5 सीटर ये कार है, जो कि दिल्ली एक्स शोरूम की प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो ये गाड़ी स्टार्ट है 3 लाख से और ख़त्म होती है 4.37 लाख पर। 1st नंबर में मारुति की स्विफ्ट, जो कि पूरी अगस्त में 14,896 यूनिट पूरी अगस्त में ये सेलिंग कर पाई है। और ये गाड़ी ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आती है। और फ्यूल में पेट्रोल और CNG में आती है, डीजल में डिसकंटिन्यू ये गाड़ी की कर दी गई है। और दिल्ली एक्स शोरूम की प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो 5.19 लाख से स्टार्ट होती है और 8.2 लाख पर ख़त्म होती है। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर दें। मैं अगले महीने इसी टाइप के वीडियो में लाऊंगा, टॉप 10 कार लाऊंगा जो सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा बिकी है।